हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद एमके चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 14 नवंबर 2019 और आज के जितने भी शैक्षणिक समाचार है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चाहे आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती हो, रेलवे भर्ती, एलडीसी, एसएससी, लेक्चरार भर्ती, राजस्थान पुलिस भर्ती 2019 और भी विभिन्न भर्तियों के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जो दोस्त राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहता है, रात्रि 9 बजे इस चैनल पर लाइव क्लासेस चलती है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आपको राजस्थान पुलिस भर्ती और जितनी भी अन्य वैकेंसी है उन सब की जानकारी यहाँ पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आज की पहली खबर है, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाएगा। नियुक्ति का इंतजार कर रहे बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है, शिक्षा विभाग में जल्द ही नई नियुक्तियाँ की जाएगी। इसमें प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। अगली खबर है दोस्तों, सीबीएसई ने कहा, 12वीं पास करने के लिए स्टूडेंट को प्रैक्टिकल में भी हासिल करने होंगे कम से कम 33% अंक। दोस्तों, नेक्स्ट खबर है, बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा अगले माह से होगी शुरू, जल्द ही बोर्ड जारी करेगा परीक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट खबर है, स्कूल प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 की तिथि बढ़ाने के लिए सौंपा ज्ञापन आरपीएससी। अभ्यर्थी बोले, परीक्षा अगले साल जनवरी में नहीं जुलाई अगस्त में हो। तो दोस्तों, देख सकते हो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम से संबंधित अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आरपीएससी को ज्ञापन सौंपा है कि जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में नहीं कराकर ये जुलाई अगस्त में करवाया जाए। नेक्स्ट खबर है, अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व बोर्ड का कोर्स खत्म होगा। नेक्स्ट खबर है, जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2019-20 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 20 को। जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2019-20 की राजकीय नर्सिंग स्कूलों में प्रवेश के लिए रिक्त सीटों के लिए द्वितीय काउंसलिंग एवं निजी प्रशिक्षण केंद्रों की प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग 20 नवंबर को आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट खबर है, रेलवे में जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग शुरू, पहले दिन 60 अभ्यर्थी पहुंचे। रेलवे बोर्ड अजमेर की ओर से जूनियर इंजीनियर आईटी एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। नेक्स्ट खबर है, इग्नू में जनवरी 20 में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में 17 जनवरी 2020 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नेक्स्ट खबर है दोस्तों, पीआरओ परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हो गई है, ऑनलाइन आपत्ति 18 से दे सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई जनसंपर्क अधिकारी समीक्षा परीक्षा की आंसर की बुधवार को वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी 18 नवंबर से यहां पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट खबर है, बोर्ड की विशेष पूरक परीक्षा आज से। अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, राजस्थान पुलिस में 8वीं 10वीं पास के लिए होगी भर्ती। तो दोस्तों, देख सकते हो ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने राजस्थान पुलिस में भर्ती के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया था। यह ऑर्डर 6 नवंबर को जारी किया गया था, जल्द ही पूरा नोटिफिकेशन भी यहां पर जारी किया जाएगा। इस ऑर्डर में भर्ती प्रक्रिया, आरक्षण, उम्र, फिजिकल फिटनेस नियम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, भर्ती केंद्र चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा आदि से संबंधित यहां पर जानकारी दी गई थी। तो दोस्तों, देख सकते हो यहां पर इसमें बता रखा है कि आरएससी और जो बाकी कैटेगरीज है उसके लिए 8वीं कक्षा यहाँ पर मांगी गई है और कांस्टेबल जीडी के लिए 10th कक्षा इन्होंने मांगी है। और साथ ही दोस्तों, इसमें ये भी बता दिया कि कितना यहाँ पर जो फॉर्म फीस का चार्ज है वो लिया जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सामान्य और ओबीसी से 400 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा गया है और राज्य के एससी एसटी के उम्मीदवार के लिए 350 रुपये यहाँ पर और रखा गया है। और उम्र सीमा के लिए एक बार फिर कंफर्म कर लीजिए मित्रों, देख लीजिए इसमें भी यहाँ पर 18 से 23 वर्ष के बीच आवेदक की उम्र सीमा दे रखी है जनरल कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जो बाकी कैटेगरी है उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया था 5 वर्ष को छूट दे रखी है ओबीसी एससी एसटी को, और जो महिला उम्मीदवार है उनको 10 साल की यहाँ पर छूट दे रखी है। तो दोस्तों, देख सकते हो और 150 प्रश्न आपके पूरे पेपर में आएंगे 75 नंबर के दोस्तों, और दूसरे भाग में आपका जो है फिजिकल टेस्ट यहाँ पर करवाया जाएगा। तो इस प्रकार इसमें सारी जानकारी दे रखी है, लेकिन दोस्तों इसमें पदों की संख्या 8600 यहाँ पर बता रखी है और जो एसआई है उसकी भी यहाँ पर 706 पदों की संख्या बता रखी है। तो दोस्तों, पदों को लेकर अभी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने पास नहीं आ जाएगा कन्फर्म नहीं हो पाएगा कि कितने पदों पर ये भर्ती हो रही है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है 10,000 के आसपास पदों पर भर्ती होने की पूरी संभावना है, क्योंकि पहले 5,000 बता रखा था लेकिन अब 10,000 हो सकते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक ही चरण में पूरी भर्ती प्रक्रिया करवाई जाए। तो देखते हैं दोस्तों, जल्द ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी होने वाला है। चलते हैं अगली खबर की ओर।
अगली खबर देख सकते हो, गहलोत सरकार का खिलाड़ियों को तोहफा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने खिलाड़ियों को तोहफा दिया है। अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी पर आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी मिलेगी। गहलोत कैबिनेट की सर्कुलर के जरिए प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। नेक्स्ट खबर है, महाविद्यालय में कम्युनिटी कनेक्टर प्रोग्राम आज से। अगली खबर रेलवे से जुड़ी हुई है। उत्तर पश्चिम रेलवे में 2029 अप्रेंटिस पदों के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करना होगा और अंतिम तिथि यहाँ पर 8 दिसंबर रखी गई है। अगली खबर एलडीसी से जुड़ी हुई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भर्ती का नया फ्रॉड। लिपिक ग्रेड 2 के 86 पद है, लेकिन किसी ने 4500 पदों पर यहाँ पर भर्ती का फर्जी विज्ञापति निकाल दी गई है। तो दोस्तों ऐसी विज्ञापतियों से भी आप सावधान रहिए। अगली खबर एसएससी से निकलकर आ रही है दोस्तों। एसएससी सीजीएल केंद्रीय विभागों में नौकरी की टोकरी। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर एसएससी के अंदर काफ़ी वैकेंसियाँ निकली है, तो उससे संबंधित इसमें जानकारी दे रखी है। आप इसमें आवेदन कर सकते हो। एसएससी सीजीएल में ऑनलाइन आवेदन की तिथि यहाँ पर 25/11/2019 रखी गई है और भुगतान के लिए 27/11/2019 रखी गई है। तो आप इसका आवेदन कर सकते हो दोस्तों एसएससी सीजीएल में। नेक्स्ट खबर है दोस्तों, 118 सरकारी कॉलेजों में 39 पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के तहत राज्य के 118 राजकीय महाविद्यालय में कौशल दक्षता के लिए 39 पाठ्यक्रम यहां पर शुरू किए जाएंगे। अगली खबर बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों, मेट्रो में आज मुफ्त सफ़र कर सकेंगे स्कूली बच्चे। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर आयोजित होने वाले बाल दिवस पर गुरुवार को स्कूली बच्चे जयपुर मेट्रो में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। नेक्स्ट खबर है, संभाग स्तरीय KGBV खेलकूद प्रतियोगिता यहाँ पर शुरू हो गई है। नेक्स्ट खबर भी दोस्तों रेलवे से निकल कर आ रही है। रेलवे में लगातार हो रही है बम्पर भर्तियाँ। 8 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। रेलवे में लगातार नौकरी के लिए आवेदन निकाले जा रहे हैं, वहीं लाखों की संख्या में उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं। जो युवा भारतीय रेलवे में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए कुछ खबर यह, रेलवे में फिर भर्तियां होने जा रही है। यह भर्तियां कुल 4103 पदों पर हो रही है। अगर आप ये नौकरी पाना चाहते हैं तो आज ही आवेदन करें। पद का नाम अप्रेंटिस व संख्या 4103 है। आवेदन जमा कराने की प्रारंभिक तिथि 9 नवंबर तथा अंतिम तिथि 8 दिसंबर है। तो दोस्तों आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो 9 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर के मध्य, और 100 रुपये आपका यहाँ पर जो फॉर्म फीस है वो रहेगी दोस्तों। सारी जानकारी इसमें दे रखी है, बाकी आप वेबसाइट पे जाके ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगली खबर दोस्तों बहुत अच्छी खबर है, एम्बुलेंस कर्मियों का बढ़ेगा 20% वेतन। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मियों को अभी मिल रहे हैं वेतन में 20% की यहाँ पर बढ़ोतरी की जाएगी। तो बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों, क्योंकि इनके वेतन को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। ये बिल्कुल किसी भी व्यक्ति की जान बचाने में कामयाब होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे लाल बटन है उसको दबाकर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों 9 बजे राजस्थान पुलिस के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।